प्रेस वार्ता का विशेष महत्व इसलिए है कि कल माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन आदरणीय नितिन गडकरी जी बिहार का आगमन है और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सचिव संदीप जी, इंजीनियर चीफ हनुमान चौधरी जी, अपने दोनों आरओ मौत और एनएचआई के। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से गडकरी जी का कल का जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा और किन किन योजनाओं को हम लोग कल शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं उसकी बात भी इसी महीने हम लोग जनता को समर्पित कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सड़क के क्षेत्र में जो सहयोग और वातावरण मिलता है और केंद्र में जब से 2014 में नितिन गडकरी के नेतृत्व में काम चल रहा है तब से बिहार में भी करीब 1,25,000 करोड़ की योजनाएं अभी भी चल रही हैं और इसके अतिरिक्त कई एक्सप्रेसवे की योजना है जो कि पाइपलाइन में है और मुझे उम्मीद है कि बिहार को भी जो 4 से 5 एक्सप्रेसवे अभी चाहे वो रसौल हल्दिया हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी हो, बनारस कलकत्ता हो, तो ऐसे करके कई एक्सप्रेसवे बिहार को मिले हैं और आमस दरभंगा का भी काम सभी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और हमको लगता है कि उसको भी हम लोग अगस्त सितंबर तक चालू कर पाएंगे। तो ये सारी योजनाओं को हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कर पा रहे हैं। तो यही कल माननीय गडकरी जी के कार्यक्रम के आगमन की दृष्टि से आपको डिटेल जानकारी के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। विशेष कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। 10:30 बजे एयरपोर्ट पर आएंगे, उसके बाद 11 बजे महात्मा गांधी सेतु के ब्रिज के पास जाकर वहाँ पर उद्घाटन होगा मतलब ब्रिज का और फिर कार्यक्रम वहीं पर 11:30 बजे जो हाजीपुर पॉइंट है 11:15 पर लोकार्पण का रखिए और 11:30 में कार्यक्रम का। नहीं नहीं इसी साइड है इस साइड ताकि सड़क को हम लोग चालू कर पाए ताकि चढ़ेंगे तो उसी नए ब्रिज से हमको लेके जाएंगे तो एक बार फीता कट जाएगा तभी ना उस ब्रिज को लेके जाएंगे। हाँ किसका देखिए जो लैंड एक्विजिशन के केंद्र सरकार के मापदंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। 70% 60% जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस बढ़ता है तभी टेंडर की प्रक्रिया बढ़ती है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ कुछ ये पॉइंट्स पे जहाँ पर है लेकिन हम लोग पिछले दिनों समीक्षा बैठक 31 तारीख को गडकरी जी के समक्ष हुई थी और लैंड एक्विजिशन के क्षेत्र में बिहार में हम लोगों ने अच्छा प्रगति किया है और सभी योजनाओं को हम लोगों ने अलग अलग बांटा है। जो बड़ी योजना है उसको हम लोगों ने अलग से किया है और जो छोटी योजना है उसके लिए अलग से हम लोगों ने 2 भाग में बांट के कर रहे हैं। अंतिम चरण में लेंगे उसके लिए भी केंद्र सरकार में पिछले दिनों बैठक हुई थी और उसको लेकर माननीय गडकरी जी की उपस्थिति में ही बैठक हुई थी। उसकी भी योजना बन रही है चूँकि पिछले दिनों कई कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो बॉटल नेक में फंस जाती हैं और केंद्र भी इसके लिए गंभीर है और हम लोगों ने भी लगातार उसके लिए प्रशोषण किया है। 2010 से चल रहा है, उसकी पूरी इतिहास को हम भी जान रहे हैं, आप भी उसकी व्यथा को समझ रहे हैं और परेशानियों को, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना केंद्र सरकार ने उसको अलग से एक बैठक लिया है और उसको अलग से मॉनिटर करने का एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया है। नहीं नहीं व्यक्तिगत कोई एक सड़क है तो उसकी चिंता अलग से। आरओ आपको कुछ बताना चाहेंगे हाजीपुर छपरा को लेकर। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक सुभाष मार्केट लंगर टोली चौराहा पटना।